लास्ट वन लाउडनेस एंड पिच. ओके लेट्स स्टार्ट अबाउट वी हियर थ्रू अवर ईयर्स. द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड. सो वी हियर थ्रू अवर ईयर्स एंड वी विल नाउ डिस्क्राइब द कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ईयर ब्रीफली. एंड द डायग्राम हैज गिवन इन योर बुक. सो फर्स्ट द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ईयर लाइक अ फनल. अगर आप ईयर का आउटर पार्ट देखते हैं बेटा, जो आपको दिखाई देता है वो किसकी तरह होता है, एक फनल की तरह होता है. एंड द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड पिना एंड इट इज अटैच्ड टू अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पासेज कॉल्ड ईयर कैनल. एंड द एंड ऑफ द ईयर कैनल अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन. यानी कि वहां पर क्या होती है, एक थिन इलास्टिक और सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको कि क्या कहा जाता है, ईयर ड्रम. एंड ईयर ड्रम स्ट्रेच टाइटली. एंड ईयर ड्रम परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट. साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. ईयर ड्रम जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है. और जो साउंड वाइब्रेशन है वो ईयर ड्रम को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. एंड द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर फ्रॉम द ईयर एंड द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. दैट इज हाउ वी हियर. और इस तरीके से हमको क्या होता है, सुनाई देता है. यानी कि जो ईयर ड्रम है जब वो वाइब्रेशन करेगा तो वहां से जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाएंगे, इनर ईयर तक जाते हैं. और वहां इनर ईयर के बाद यानी कि इनर ईयर तक जब वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं तो वहां से सिग्नल कहाँ पहुंचते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है. और इस तरीके से हमको सुनाई देता है. नेक्स्ट वन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो कि आपने पहले से ही सिंपल पेंडुलम में पढ़ रखा है. सिंपल पेंडुलम में आपने क्या पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम के एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना. तो मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट इट बॉब गोज टू इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल पोजिशन. यानी कि जब अगर हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो सिंपल पेंडुलम है जब वो वाइब्रेट करता है तो उसका जो बॉब है वो क्या करेगा, उसकी जो सेंट्रल पोजिशन का मतलब होता है उसकी जो मेन पोजिशन है, रेस्ट पोजिशन है, गोज टू इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड. फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम बॉब गोज टू इक्वल डिस्टेंस ए बी एंड ए सी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन. सो द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम गोज फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन और सिंपल पेंडुलम. ओके, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं मेन पोजिशन की, मेन पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसकी जो रेस्ट पोजिशन है. तो जब जो पेंडुलम है वो क्या करेगा, अपनी मेन पोजिशन से मूव करेगा और कहां जाएगा, इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजिशन, उसकी जो सेंट्रल पोजिशन है. सो द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम गोज फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन. बॉब की जो सेंट्रल पोजिशन है, जब बॉब अपनी सेंट्रल पोजिशन से कैसे जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है विच द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम गोज फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन. इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन कहते हैं. सो वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मैंने आपको कल भी बताया था, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. सो फर्स्ट टॉपिक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन. यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने सेंट्रल पोजिशन से उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन. यानी कि जब क्या हो जाता है, कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, जब एक कंप्लीट जो पेंडुलम बॉब है जब वो कंप्लीट मूवमेंट कर लेगा, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक वाइब्रेशन है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहते हैं. एंड द टाइम टेकन बाय पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. और वही पेंडुलम का जो बॉब है जब वो क्या करता है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, और उस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए वो जितना टाइम पीरियड लेता है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम.
फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर सेकेंड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. पर सेकेंड मीन्स वन सेकेंड, यानी कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर सेकेंड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है वो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन करती है, वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या है, फ्रीक्वेंसी है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि वो कितने एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कर रही है, वो बॉडी एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन करती है, वो बॉडी का क्या है, फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी को जो मेजर किया जाता है वो हर्ट्स में किया जाता है, एंड रिटन इन शॉर्ट फॉर्म इज एचजेट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड लाउडनेस स्पीच एंड क्वालिटी. सो इन लाउडनेस साउंड आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. आप सबको पता है बेटा जो साउंड है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है या किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना. If more energy is supplied to one object by plucking it or hitting it more strongly, then the object will vibrate with a greater amplitude and produce a louder sound. यानी कि जब हम क्या करते हैं strongly, बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, sound produce कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस time पर क्या होता है, जो object है वो क्या करेगा, vibrate तो करेगा लेकिन greater amplitude, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो amplitude होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा and produce a louder sound. And the loudness of sound depend on the amplitude of vibration of the vibrating object. और जो लाउडनेस साउंड की जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड पर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड, उसका कितना एम्पलीट्यूड है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उस पर क्या करेगी, लाउडनेस डिपेंड करती है. पिच. पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस. सो पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. तो पिच जो है, साउंड की जो पिच होती है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट दैट द पिच ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो द साउंड प्रोड्यूस हैज लो पिच. यानी कि अगर वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो कम होती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी पिच कैसी होगी, लो पिच होगी. एंड ऑन द अदर हैंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई द साउंड प्रोड्यूस हैज अ हाई पिच. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. इन फैक्ट is that sound of frequencies is less than about 20 vibration per second. It means 20 hertz cannot be detected by a human ear. यहाँ पे साउंड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो साउंड फ्रीक्वेंसी जब क्या होती है 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इट मीन 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, तो ह्यूमन ईयर उसको क्या नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि सुन नहीं सकता है. ओके, एंड साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड. और ऐसे साउंड को क्या कहा जाता है, इनऑडिबल साउंड कहा जाता है. एंड ऑन द अदर साइड, higher side, sound of frequency higher than about 20,000 vibration per second. यानी कि अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से ज्यादा है एंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, तो ये साउंड भी, यानी कि जितना ज्यादा साउंड है वो साउंड भी क्या नहीं होगा, ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देता है. एंड फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20,000 हर्ट्ज. रफली जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 to 20,000 के बीच में होती है, ठीक है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है. इससे कम और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड जो होगा वो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है. नॉइज एंड म्यूजिक. नॉइज मीन्स द अनप्लीजेंट साउंड अराउंड अस आर कॉल्ड नॉइज. एंड नॉइज इज प्रोड्यूस बाय द इरेगुलर वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्सेज. एंड द म्यूजिक. म्यूजिक द साउंड विच आर प्लीजेंट to hear are called musical sound, and musical sound produced by the regular vibration of the sound producing source. तो noise में क्या था, irregular vibration, जो vibration थे वो क्या थे, irregular थे. और music में जो vibration होता है वो कैसा vibration होता है, regular vibration होता है, ठीक, जो दोनों को ही क्या करता है, differentiate करता है. noise pollution. noise pollution, sounds that are loud and unnecessary are called noise, and the disturb
एंड द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन अवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन एंड सम ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट अराउंड अस आर एज फॉलो. सो फर्स्ट वन सोर्स, द मोटर व्हीकल रनिंग ऑन द रोड प्रोड्यूस नॉइज पोल्यूशन बाय ब्लोइंग हॉर्न्स एंड साउंड ऑफ देयर इंजन. आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास की सड़कों में क्या है, जो मोटर व्हीकल्स क्या करते हैं, चलते हैं तो उनके हॉर्न से निकला हुआ जो साउंड होता है या उनके इंजन का जो साउंड होता है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है. एंड द बर्निंग ऑफ क्रैकर्स ऑन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस ओकेशन प्रोड्यूस बाय नॉइज पोल्यूशन. द प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर एंड बैंड्स एट मैरिज एंड अदर सोशल फंक्शन कॉजेस नॉइज पोल्यूशन. एंड मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन होम, द लाउड प्लेइंग ऑफ रेडियो टेलीविजन एट हाई वॉल्यूम सम किचन अप्लायंसेस लाइक मिक्सर ग्राइंडर कॉज नॉइज पोल्यूशन. एंड द हार्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन, एक्सेसिव लाउड नॉइज इज हार्मफुल टू अस. यानी कि जब बहुत ज्यादा नॉइज शोर शराबा होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल भी होता है, नुकसानदायक भी होता है. स्पेशली हमारे जो ईयर होते हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो पहुंचाता है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस साउंड की लाउडनेस की बात करें, इज एक्सप्रेस इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल. यानी कि जो डेसिबल होता है वो क्या है, लाउड की लाउडनेस की क्या, साउंड की लाउडनेस की क्या है, यूनिट है. एंड द सिंबल ऑफ डेसिबल इज डीबी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी. एट अ लाउडनेस ऑफ अबव 80 डेसिबल द साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल एंड एट अबाउट 140 डेसिबल लेवल साउंड हर्ट टू मच. यानी कि उसके बाद का जो साउंड होगा या 140 डेसिबल का भी जो साउंड होता है वो काफी क्या होता है, हार्मफुल होता है. एक्सेसिव लाउड नॉइज इज हार्मफुल टू अस. सो फर्स्ट वन, लाउड नॉइज कैन कॉज ग्रेट हार्म टू अवर ईयर्स. कॉन्स्टेंट लाउड नॉइज रिड्यूस द हियरिंग पावर ऑफ ईयर एंड लाउड नॉइज कैन इवन डैमेज अवर ईयर परमानेंटली एंड कॉज डीफनेस. यानी कि इसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं, हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है वो खत्म भी हो सकती है. लाउड नॉइज कैन कॉज एलिमेंट कॉल्ड हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो भी होती है. एंड लाउडनेस कैन कॉज इरिटेशन एंड हेडेक. हमको क्या होती है, चिड़चिड़ाहट सी होती है और हेडेक, यानी कि सर में दर्द होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. मेजर टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल टू प्रिवेंट इट हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग एंड अदर लिविंग थिंग्स. वी कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन टू सम एक्सटेंट बाई टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स. फर्स्ट वन, वी शुड नॉट प्ले रेडियो स्टीरो सिस्टम एंड टेलीविजन टू लाउडली एंड द हॉर्न ऑफ मोटर व्हीकल शुड नॉट ब्लो अननेसेसरी. एंड द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर शुड बी अवॉइडेड. यानी कि जो पटाखे चलाए जाते हैं उनको भी हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. एंड नॉइज मेकिंग फैक्ट्रीज एंड एयरपोर्ट शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द सिटी. ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम द रोड्स एंड अदर एक्टिविटी फ्रॉम रीचिंग द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू.